नवरात्र में माँ के दर्शन शुरू हो गए हैं। इस वक्त हम मौजूद है पटना के डाक बंगला चौराहे पे और यहाँ की जो पूजा है वो सबसे खास है। यहाँ पर माँ का जो मनोहारी स्वरूप है वो भक्तों के दर्शन के लिए आज जो है वो खोल दिए गए हैं। अब 3 दिनों तक भक्त यहाँ पे माँ के दर्शन कर पाएंगे। पटना में यूं तो कई पूजा पंडाल हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते हैं, लेकिन अगर आप जाने पटना के लोगों से या फिर बिहार के लोगों से कि कौन सी वो जगह है जहाँ पर जो केंद्र है इस पूजा का, तो वो पटना का डाकबंगला चौराहा होता है। इस बार तमिलनाडु का कांतेश्वर महादेव मंदिर है इस बार बनाया गया है। और देखिए किस तरीके से बिल्कुल मंदिर का के अंदर का जो गर्भगृह का हिस्सा है बिल्कुल उसी अंदाज में इसको सजाया गया है। बाहर का हिस्सा भी हम आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे किस तरीके से वहाँ उसको एक अलग रूप देने की कोशिश की गई है। ये पंडाल जो है अपने आप में खास है, क्योंकि पटना में पंडालों की बात करें तो दुर्गा पूजा के साथ साथ पंडाल भी जो हैं उसको देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। और जब यहाँ की बात करें तो यहाँ पर का पंडाल सबसे भव्य और सबसे अलग होता है। हर बार किसी न किसी मंदिर की रिप्लिका जो है, यानी कि हूबहू मंदिर जैसी एक जैसा एक स्ट्रक्चर पंडाल के तौर पर खड़ा किया जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि जो लोग नहीं जा सकते हैं पूजा करने के लिए उन जगहों पर या फिर दर्शन के लिए देश के उन मंदिरों में, तो उनके लिए मंदिर यहाँ मंगवाया जाता है। और देखिए यहाँ पर कांतेश्वर महादेव मंदिर का जो है वो सज करके तैयार है और इसी में माँ भगवती का जो भव्य दरबार है वो लगा हुआ है। सबसे ख़ास बात ये कि साल भर से इस पूजा पंडाल की जो तैयारियाँ हैं वो चलती रहती हैं, कभी तैयारियाँ रुकती नहीं हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर जो टीम है वो देश भर के तमाम मंदिरों में जाती है, वहाँ इस बार क्या कुछ होगा उसको तय करती है और उसके साथ साथ इस तरीके से जो है वो यहाँ पे पूजा होती है। इस बार की बात करें तो यहाँ पर माँ भगवती जो है, यानी कि माँ दुर्गा अपनी दो जो शक्तियाँ हैं महालक्ष्मी महासरस्वती उनके साथ दर्शन दे रही हैं और साथ में उनके जो दो पुत्र हैं भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय वो हैं और महिषामर्दिनी के रूप में माँ भगवती यहाँ पे दर्शन दे रही हैं। इस मंदिरों के बारे में कहते हैं कि इस पंडाल की बात करें तो यहाँ पे के बारे में मान्यता है कि यहाँ पे जो भक्त पहुँचते हैं उनकी तमाम जो मनोकामनाएँ हैं वो पूरी होती हैं। यहाँ पर जो लोग भी आते हैं माँ उनकी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं और शायद यही वजह है कि यहाँ पे बड़ी संख्या में हर दिन लोग पहुँचते हैं। सुरक्षा के इंतज़ाम की बात करें तो वो भी बेहद तगड़े इंतज़ाम होते हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचते हैं तो उनको मोबिलाइज रखने के लिए जो पूरा ट्रैफिक है उसको भी डाइवर्ट किया रहता है, यानी कि सड़क पर जो गाड़ियाँ हैं उसका प्रवेश पूरी तरीके से रोक दिया जाता है। और इस तरीके से देखिए कि यहाँ पे इस बार की बात करें तो बेहद खास जो है उस अंदाज में यहाँ पे माँ जो हैं वो दर्शन दे रही हैं कांतेश्वर महादेव मंदिर जो कि तमिलनाडु का है उस मंदिर में। और उसी मंदिर में ये जो में माँ भगवती विराजती हैं। 3 दिनों के इस महाउत्सव में करीब करीब जो है वो 20 से 25 लाख जो भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए डाकबंगला चौराहा पहुंचते हैं। ऐसे में न्यूज फॉर्मेशन पर आप इन 3 दिनों में पटना के विभिन्न पंडालों के दर्शन करते रहेंगे। तो देखते रहिए न्यूज फॉर्मेशन। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।